गेहूं में आ रही तेजी, क्या बनेगी सरकार के लिए चिंता। दरअसल पिछले 8 महीने से गेहूं की महंगाई को रोकने के लिए तरह तरह के सरकार की ओर से सकारात्मक प्रयोग किए जाते रहे, जिसके चलते बढ़ती महंगाई रुक भी गई और आम उपभोक्ताओं को इस बार भरपूर राहत भी मिली। लेकिन पिछले एक सप्ताह से टेंडर में गेहूं की बिक्री फिर से बंद हो जाने से बाजार में महंगाई भड़क गई है। सरकार को नया गेहूं का दबाव बनने से पहले मंडियों में गेहूं की सप्लाई बनाए रखनी चाहिए थी। बाजार जानकारों का कहना है, अगर सरकार सप्लाई बनाए रखती तो भाव कंट्रोल में रहते, लेकिन अब यहां से 200 रुपए की तेजी भाव में और बनती हुई दिखाई दे सकती है। दरअसल सरकार द्वारा पिछले 8 महीने से महंगाई को पूरी तरह से नियंत्रित किया गया और टेंडर द्वारा गेहूं की बिक्री सस्ते भाव में की गई, जिसके चलते 2900 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर गेहूं बिकने के बाद भाव नीचे में 2400 रुपए के निचले स्तरों पर जा पहुंचे। लेकिन सरकार द्वारा किसानों का नया गेहूं एमपी में शुरू होते ही टेंडर में बेचे जाने वाले साप्ताहिक गेहूं की बिक्री रोक दिए जाने की चर्चा आते ही बाजार भड़कते चले गए और एक सप्ताह के अंदर ही भाव 2400 से बढ़कर 2700 और 2900 रुपए तक पहुंच गए, बल्कि कुछ मंडियों में भाव 3000 के स्तर को भी पार कर गए। गौरतलब है कि गेहूं की बिजाई यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार सहित सभी उत्तर भारत के उत्पादक क्षेत्रों में रिकॉर्ड स्तर पर हुई है और मौसम भी इस बार अनुकूल रहा है, जिससे अभी तक खड़ी फसल को देखते हुए इसका उत्पादन 1120 लाख मीट्रिक टन होने का अनुमान आने लगा है, जबकि पिछले साल यही उत्पादन 1060 लाख मीट्रिक टन के करीब था। ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि गेहूं का उत्पादन बढ़ने के बावजूद भी पिछले सीजन में गेहूं की खरीद लक्ष्य से कम रही, लेकिन साल 2022-23 की तुलना में अधिक रही थी। वहीं विपणन वर्ष में 188 लाख मीट्रिक टन रह गया था, जबकि गेहूं की खरीद पिछली बार 262 लाख मीट्रिक टन के करीब रही। इस बार सरकार द्वारा 332 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य रखा गया है। अब जानकारों का कहना है कि देखना होगा कि क्या सरकार खरीद लक्ष्य तक पहुंच पाती है और सरकार को अभी टेंडर में गेहूं की बिक्री 2150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव में 31 मार्च तक देनी चाहिए थी। बाजार जानकार कह रहे हैं कि इससे मंडियों में गेहूं के भाव नीचे होने पर सरकार को खरीद लक्ष्य तक पहुंचने में आसानी रहती, लेकिन अब शायद मुश्किल होगा। वास्तविकता ये है कि जब मंडियों में गेहूं के ऊंचे भाव हो जाएंगे तो सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं मिलना मुश्किल होगा और गेहूं की बिक्री टेंडर में किए जाने के 2 लाभ सरकार को मिलते। पहला, महंगाई कंट्रोल में रहती और दूसरा, सरकार के लक्ष्य को पूरा करने के लिए किसान सरकारी धर्म कांटे पर पहुंचते। सरकार को कम से कम, जानकारों का कहना है कि 15 अप्रैल तक या अगर संभव ना हो तो 31 मार्च तक साप्ताहिक टेंडर 2150 रुपए में जारी रखना चाहिए। टेंडर बंद होने की खबर मिलते ही स्टॉकिस्ट एवं रोलर फ्लोर मिले खरीदारी में आ चुकी हैं, जिससे एक सप्ताह के अंदर ही भाव 2400 रुपए से उछलकर 2700 और 2900 रुपए तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में बाजार जानकारों का कहना है कि गेहूं में इसी तरीके की तेजी बरकरार रह सकती है और भाव 3000 के ऊपर स्थिर रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।